असलम डी एर्नर्सेंशियल वेलकम इन दीडियो डिस्कशन इंतहाई अहम है आज की बिकॉज आज की जो हमारी डिस्कशन है वो एक मॉडर्न वे ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर है दैट इज एंजल इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी आप अपना बिजनेस का आगाज़ करते हैं तो ऑबियसली आपको पैसे की जरूरत पड़ती है जिस तरह की हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले कुछ वीडियोज़ के अंदर कि आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं जिनके थ्रू आप सोर्स अपने फंड्स को जनरेट करते हैं कारोबार करने के लिए मिसाल के तौर तो पर पहले तो आपकी पर्सनल सेविंग्स ही आ जाती हैं अपनी पर्सनल सेविंग्स अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए फिर उसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप किसी कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाते हैं जिनमें कमर्शियल बैंक्स भी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको लोन दे सकते हैं उसके अलावा जो आज कल एक नई सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है जिसमें हम बहुत ज़्यादा टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है जिससे आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं आप में से वो साथ ही जो किसी इनक्यूबेशन के अंदर रजिस्टर हैं या रजिस्टर होने का सोच रहे हैं आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब अपने इनक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं और अपने आइडिया को आप कुक कर लेते हैं तो फिर एट दी एंड आपके पास एक फाइनेंशियल जैसे कि आपने आइडिया जो है वो आप पिच कर रहे होते हैं एक समिट के अंदर तो ज़्यादातर इनक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स का एक समिट कराती हैं जिसके अंदर वो इनवाइट करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स को और वेंचर कैपिटलिस्ट को उनके सामने आप अपना आइडिया पिच करते हैं और उनसे फाइनेंस जो है वो मांग रहे होते हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए ये दोनों टर्म्स बेसिकली है क्या इनमें क्या डिफरेंस है और ख़ास तौर पर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं यानी अगर आपने इन्हीं दो सोर्सेज से फाइनेंस लेना है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा पाकिस्तान में ये ट्रेंड कितना नया है इस पर बात करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में हमने बुलाया है आज हक साहब को थर्ट सेवन ईयर का एक्सपीरियंस है इनके बैंकिंग का स्पेशली इन द लैंडिंग सेक्टर और उसके अलावा पिछले दस सालों से टीचिंग एंड ट्रेनिंग जो है उसके साथ वाबस्ता है और उसके अलावा मेरे साथ रिजवान है आपको मालूम है कि हम दोनों इस प्रोग्राम इसको इस एक कोर्स को आपके लिए कोहोस्ट कर रहे हैं सो so, सबसे पहले तो हम चलते हैं रिजवान की तरफ रिजवान साहब जिस तरह हमने अभी बात की एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की तो एक तो उनकी बैकग्राउंड में ऑब्वियसली फ़र्क है कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट कौन हैं और उनका जो एक अप्रोच है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एक ऑन्टनियोर को लेके वो क्या होता है देखिए आपने ये बताया कि जो स्टार्टअप्स होते हैं जो बिजनेस होते हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो आम तौर पे दो सेक्टर्स से पूरी हो रही होती हैं एक फॉर्मल सेक्टर है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर है फॉर्मल सेक्टर में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स हैं या इस तरह के इदारे हैं जो कि रेगुलेट हो रहे होते हैं स्टेट बैंक के तहत या जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत ये हमारा फॉर्मल सेक्टर पर... है और जो दूसरा हमारा सेक्टर है जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं जिसमें आम तौर पर फंडिंग आप अपनी पर्सनल सेविंग्स से ले रहे होते हैं या फ्रेंड से ले रहे होते हैं या फैमिली से ले रहे होते हैं ये हमारे पास दो आप कह लें कि एक्सट्रीम्स हैं जहाँ से एक बिजनेस को पैसे मिलने का इम्कान होता है चाहे वो स्टार्टअप फंडिंग है या आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं या आपकी ग्रोथ के हवाले से है अब इसके दरम्यान भी कुछ एंटिटीज़ फॉल करती हैं जहाँ से पोटेंशली आपको बिजनेस के लिए पैसे मिल जाते हैं अब वो दो एंटिटीज़ इनका आपने जिक्र किया एक एंजल इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इन दोनों पे बेस आपने किया और आपने इनको मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग या फंडिंग का नाम दिया है तो आप ये दो पोल्स जहन में रखते हुए फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर तो आप देखेंगे कि ये दोनों इनके दरमियान फॉल करते हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये अपने बैकग्राउंड के अतबार से अपने वर्किंग के अतबार से इनफॉर्मल सेक्टर के ज़्यादा करीब होते हैं जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपनी बैकग्राउंड और वर्किंग के लिहाज से फॉर्मल सेक्टर के ज़्यादा करीब होते हैं तो आप अगर ये दो पोल्स हैं कि मेरा बायां जो हाथ है ये फॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है और दायां इनफॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है तो आपका वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ कहीं फॉर्मल के करीब है और एंजल इन्वेस्टर जो है वो इनफॉर्मल के करीब एक तो ये चीज़ जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो आमतौर पर इंडिविजुअल्स होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास सरप्लस फंड्स मौजूद हैं और वो उन फंड्स को लगा के उससे बेहतर पैसा कमाना चाहते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट्स पे रिटर्न दे रहा होता है एक तो ये चीज़ और ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं आमतौर पे इसमें रिटायर्ड लोग होते हैं जिनके पास पैसा है या ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पिछले कारोबारों से कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए यू एक्स ऑन्टरप्रेन्योर आप उनके कह सकते हैं या ये वो लोग हैं जो कि फ़ारन कंट्री में एक लंबा कैरियर गुजारने के बाद अपने होम कंट्री में वापस आ गए हैं और अब यहाँ पर वो ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहते हैं और वो अपने जो उनके पास सरप्लस पैसे हैं उनको वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके मुकाबले में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आम तौर पर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके पास अपना पैसा होता है या उनके पास मार्केट से पैसा जनरेट करने की सलाहियत होती है तो वो एक फॉर्म के तौर पर एक कंपनी के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑपरेट करते हैं जिसके आम तौर पर दो फॉर्म्स हो सकती हैं एक तो ये कि वो लोग जो उसके मेंबर्स हैं उस वेंचर कैपिटल फर्म के उनके पास अपना पैसा है और वो सिर्फ अपने पैसे को मुख्तफ प्रॉफिटेबल वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या वो दो काम करते हैं कि वो एक तरफ से मार्केट से पैसा भी लेकर आते हैं अपना पैसा भी होता है और फिर उसको वो इन्वेस्ट करते हैं और आम तौर पे फॉर्मली ऑपरेट करते हैं उनके प्रोसीजर्स बेहतर होते हैं डीलिंग बेहतर होती है मॉनिटरिंग ज़्यादा प्रोफेशनल होती है ड्यूटेलिजेंस ज़्यादा वो करते हैं तो ये एक फ़र्क आप अपने सामने इसको ज़रूर रखें कि जो एवेंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन एंजल इसलिए भी कहा जाता है कि उनकी प्रेजेंस बहुत सर्टन नहीं होती है इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती है और वो कहीं से रेगुलेट नहीं हो रहे होते हैं उसके मुकाबले में जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं बेहतर रेगुलेट हो रहे होते हैं और अब अगर आप इसको पोटेंशियल ऑन्टरप्रनोर्स के एंगल से देखें तो दोनों को रवैये में बहुत फ़र्क है एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत इनफॉर्मली उनका रवैया होता है और उसमें कन्फ्लिक्ट केमकान भी ज़्यादा होते हैं जब उनके साथ आप डील करते हैं इसके मुकाबले में जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं वो ज़रा फॉर्मल होती हैं और उनके साथ आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है तो ये मेरे नज़दीक इसका एक तारफ़ है और ये इमर्ज कर रहे हैं या दोनों दुनिया भर में इसका एविडेंस ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान में भी ये उस तरह से ऑपरेट नहीं इसलिए पाकिस्तान के हवाले से हम इसको कह रहे हैं कि एक मॉडर्न वे ऑफ फाइनेंसिंग है अच्छा सर आपकी तरफ आते हैं दो आपसे इंतहा अहम है सवाल पहले बात तो ये कि ये जो हम क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट तो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑन्ट को लोन दे रहे हैं वो अपना बिज़नेस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है उसको यू you नो know, आगे जनरेशन्स uh, तक मुंतकिल करना चाहते हैं वट एवर द केसेज़ हम बेसिकली बात करते हैं वेंचर कैपटल के बारे में uh, पहली बात तो ये है कि हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में ये एक नया ट्रेंड है तो हमारी ये परसेप्शन कितनी दुरुस्त है और नंबर टू ये जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं इनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान के अंदर इसमें ऐसे है जी कि ये जो आप बात कर रही हैं ना कि ये ट्रेंड नया है तो ये नया ट्रेंड नहीं है उसकी वजह ये है कि आप अगर ये नाइनटीन एटीज़ में जो फिनांस कंपनीज़ आई थी पाकिस्तान में यहाँ पे इस्टेबलिश हुई थी तो उनके आप अगर बाई लाज पढ़ें या उनके मेमोरेंडम और एंड आर्टिकल एसोसिएशन पढ़ें तो उसमें ये यही बात लिखी हुई थी कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पे वो अदारे काम करेंगे वो मुख्तलफ़ वेंचर्स करेंगे उससे जो प्रॉफिट होगा वो लोगों को देंगे तो उन्होंने लोगों को बैंकों से ज़्यादा रेट ऑफर किए जब क्योंकि अगर वो बैंकों के बराबर रेट ऑफर करते तो उनको पैसे नहीं मिलने थे तो उन्होंने ऑफ़र किए इसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने पैसे समेटे और वो कुछ देर के बाद तो वो कुछ देर तो ऑपरेट करते रहे बाद में वो चले गए तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है इसके बाद आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन दस पंद्रह साल पहले भी ये फनांस जो ये फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज थी इन्होंने एस सी से रजिस्ट्रेशन करवाई स्टेट बैंक से इन्होंने लाइसेंस लिया और इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया पाकिस्तान में इन्होंने मुख्तु जगहों पर अपने ऑफिस बनाए और इन्होंने लोगों से कहा कि बैंक तो आपको फॉरेन करेंसी डिपॉजिट पे बहुत कम रेट देता है हम इसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन डेरिवेटिव्स जो और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट मिलेगा तो लोगों ने ये समझा कि क्योंकि इन्होंने एस सी के साथ इनकी रजिस्ट्रेशन है और स्टेट बैंक से लाइसेंस ली है तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेव है लेकिन हुआ यही कि उन्होंने पैसे लोगों से इकट्ठे किए और बाद में वो ग़ायब हो गए जहाँ तक आपने वो एंजल इन्वेस्टर की बात की है तो ये कॉन्सेप्ट भी नया नहीं है ये भी पुराना ही है हमने कई पार्टनरशिप्स जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हैं जब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो साइलेंट पार्टनर्स ढूँढ लेते हैं वो साइलेंट पार्टनर्स जो होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और वो उनके प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं इसी तरह मैंने ये देखा अपने बैंकिंग के कैरियर के में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ये छोटी छोटी कंपनियों से चीज़ें लेते हैं उनको एडवांस इतनी पेमेंट करते जाते हैं एडवांस करते हैं कि वो एक दिन उनके लिए वो पैसे वापस करने मुश्किल हो जाते हैं तो फिर वो उन कंपनीज पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल में इनकी रेगुलेशन बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और इनके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने चाहिए बिल्कुल सर आपने मेरा जो है जब ज़वा, आपका जो जवाब है उसमें मेरे दोनों सवालों का जवाब था वो ये एक के जो हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स तो चले हैं जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं नंबर एक ये इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था बस कुछ स्कैम्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों का जो बिलीफ था इनके ऊपर से वो ट्रस्ट जो था वो ब्रेक हुआ ये, ये, और दूसरा ये है कि इसकी जो जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी वो मौजूद है लेकिन अभी उस पर और ज्यादा सख्ती करने की जी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस होने चाहिए ठीक हो गया सर इसमें आपने डिस्कशन से पहले बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एस जो है अब वो एक कंडीशन लगाता है कि किस तरह की जो फॉर्म हैं वो उसमें ऐसे था कि ये जो हमारी जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जाहिर है इन्होंने इन्होंनेलरेडी बैंकों से पैसे लिए हुए होते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए और जब इनको टेक्नोलॉजी में कोई चेंज करनी पड़ती है तो इनको काफ़ी हाई आउटले दरकार होता है तो उसके लिए फिर उन्होंने एस ए सी पी से कहा था कि हम क्यों ना चूँकि हमारे आसर्स तो ऑलरेडी मार्डगेज हैं बैंकों के पास तो हम क्यों ना लोगों से पैसे ले लें इक्विटी फिनंसिंग करें तो एस सी सी पी ने ये देखते हुए कि लोगों के पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हो तो इन कंपनियों को कहा कि ये सिर्फ वो कंपनियां कर सकती हैं जिनकी ए रेटिंग है अदरवाइज हर कंपनी जो है वो लोगों से बिल्ड बिल्डिंग कर सकती ठीक हो गया यानी कि ये जो है वो प्रोविजन मौजूद है कि वो वाली फर्म्स जिनकी रेटिंग जो है वो बहुत ए है बहुत बेहतरीन रेटिंग है सिर्फ उनके पास ये प्रोविजन है कि वो एक ऐसी फर्म ओपन कर सकते हैं जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं और वो लोगों से फंड रेस आ, वो, और फिर उसको आगे वो जो जिस तरह सी है या पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स है और उनसे वो पैसे ठीक हो गया सर डे एंड के ऊपर एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो हैं देखा जाए तो वो फंड्स मैनेजर हैं यानी कि लोगों से उन्होंने पूल किया है पैसा और उसके बाद वो ऑनटरप्र को लोन दे रहे हैं और लोन देने के बाद उससे जो जनरेट uh, हो रहा है मार्क वो मार्कअप फिर अपने जो जिस जिसने उस फंड में हिस्सा लिया हुआ है उसको वो मार्कअप जो एज ए प्रॉफिट उसका वो ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में आ, जो हम देख रहे हैं कि जो इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं अब जब वो अब बच्चों को स्टूडेंट्स को अपने पास इनक्यूबेट कर लेते हैं ऑन्ट को इनक्यूबेट कर लेते हैं तो फिर उनको आइडिया पिच करवा रहे होते हैं इन्वेस्टर्स समिट के अंदर सो so, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या इसके रिजल्ट नज़र आ रहे हैं हमें क्या एंजल इन्वेस्टमेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं वो इनकरेजिंग है क्या वेंचर कैपिटल फर्म्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इनकरेजिंग है बिकॉज डे एंड के ऊपर स्टैटिस्टिक्स यू नो स्पीक्स लाउडर देन द एक्शन बेसिकली देखिए इसमें एक चीज आपने दो तीन बातें इसमें कही हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि मैं उसमें ऐड करूं एक तो जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं एसेंशियली वो लैंडिंग नहीं करती हैं वो असल में जो स्टेक्स हैं जो आपके स्टॉक्स हैं आम पे वो वेंचर्स के अंदर लेते हैं ठीक हो गया क्योंकि देखे ना वो वेंचर्स कैपिटल फॉर्म्स हैं ठीक है वो आमतौर पे अपने एसेंस में लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है ठीक हो गया वो मार्केट से भी जो पैसे लेते हैं हाँ वो बारो भी कर सकते हैं और मार्केट से भी वो अपनी जो फॉर्म्स बनाते हैं उसमें लोगों को वो स्टॉक्स देते हैं बिल्कुल। और फिर आगे वो जो वेंचर्स में पैसे लगाते हैं तो वहां से भी वो स्टॉक्स लेते हैं एक तो ये चीज़ हाँ वो वो वाली बात बिल्कुल उसमें शामिल हो सकती है कि वो जो फॉर्म्स हैं आमतौर पे वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट होती हैं ओनली इस कस्म की सूरत हाल वो अब उनकी जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है वेंचर्स के साथ जिनमें वो कैपिटल देते हैं उसमें आम तौर पर वो कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ पार्टनरशिप यानी प्रॉफिट में पार्टनरशिप करें जो लॉसिस हैं उनको वो किसी तरह से अवॉइड कर लें अच्छा एक चीज़ एक पहलू तो ये हो गया दूसरा पहलू ये है कि ये सारी जो हम डिस्कशन है वो एक आंट्रप्रनोर के एंगल से देख रहे हैं आपने दूसरा इसके एविडेंस के बारे में पूछा तो अभी पाकिस्तान के अंदर यानी वेंचर कैपिटलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है अपनी प्रैक्टिस के हवाले से वो बिल्कुल नया है और अभी इसके अच्छे या बुरे होने के बारे में इस स्टेज पर तो कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता क्योंकि तो अभी तो हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा हाँ ये है कि कुछ ऐसे हमारे वेंचर्स हैं जिन्होंने फंडिंग ली है अब उसका अंजाम क्या होता है वो अनवार साहब ने जो अपने डिस्कशन में कहा कि जो जो बिग फिश है वो स्मॉल फिश को मतलब खा, खा जाती है जाती क्या है। करती है उन वेंचर्स के साथ क्या बनता है अभी थोड़ा हमें इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा अलबतः एक बात मैं थोड़ी सी वाजह कर देना चाहता हूँ पोटेंशल ऑन्टरप्रोवर्स के लिए कि एंजल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ये दोनों वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर ये दोनों बजवर्ड बन गए हैं और ह हाँ ये हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं जो नई चीज़ आती है तो उसको हम वो एक्साइटमेंट में उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं जो उसकी सीरियस सिंप्लिकेशनस होती हैं वो उसको नहीं देख रहे होते अगर आप हिस्ट्री को हिस्टोरिकली ट्रेस करें तो मैं आपको एक नहीं बल्कि बीसियों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ जिसमें एंजल इन्वेस्टमेंट जो है उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला वो एंजल इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा नहीं निकला और ऑनटरप्रन्योर के लिए भी अच्छा नहीं निकला हम इसको सिर्फ अगर ऑन्टरप्रनोर से देखते हैं तो हमें आने वाला पैसा तो बहुत अच्छा नज़र आता है जिस तरह अनवर साहब ने भी कहा कि आई सी ने सिर्फ उन्हीं को कंपनीज को इसकी इजाजत देने की तरफ इशारा किया जिनकी A A plus, रेटिंग ए या ए प्लस ए प्लस है ठीक हो गया रीजन ये कि चूंकि पहले हमारे साथ इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुका है तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा इसका रास्ता हमें उस तरह से नहीं खोलना चाहिए इन स्टोर यानी की तरफ नहीं जाना चाहिए तो एक तो ये कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जब आप उनसे पैसा लेते हैं या एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो इसके लिए तैयार रहें कि वो एक तरह से आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं देंगे बल्कि वो फिर आपको नसीहत भी देंगे वो आपटर भी करेंगे और आपके मामला में उनका एक से होगी आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए एक पहलू दूसरा पहलू ये कि ये बहुत आम हमें नज़र आता है आजकल के हम अपने ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो इनक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं कि वो स्टूडेंट से आइडियाज़ लेते हैं उनको थोड़ा सा ग्रूम करते हैं फिर उनको पिच करवाते, करवाते हैं।, हैं अब वो ये बच्चे हैं अभी जो हैं और वो जो लोग जिनके सामने आप पिचिंग करवा रहे होते हैं वो उनके लिए मैं अंग्रेजी में जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये जरूर इस्तेमाल करूँगा कि वो सीजनड होते हैं बिल्कुल। और वो अपना इंटरेस्ट बहुत बेहतर वॉच कर रहे होते हैं अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा है कि ये बच्चे एंड अप करते हैं अपना आइडिया उनको बेच के और इनके हाथ में कोई चीज नहीं आती है वो कैपिटलिस्ट जो है वो आइडिया लेकर निकल जाते हैं ठीक है वो तो ये चीजें थोड़ी सी जहन में रखनी चाहिए इसको सिर्फ एक्साइटमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि इसकी रियल इम्प्लीकेशन पे भी निगाह रहनी चाहिए और दूसरा ये गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होने के यानी जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें होते हुए इसको रेगुलेट करना चाहिए जैसे कि अनुमार साहब ने बिल्कुल ठीक इसके ऊपर तवज्जो दिलाई ठीक हो गया कमिंग टू द कंक्लूजन अगेन अगर आप किसी इनक्यूबेशन सेंटर में हैं यू वो यूनिवर्सिटी का है या वो कोई इंडिपेंडेंट इनक्यूबेशन सेंटर है और आप अपना आइडिया पिच करने वाले हैं तो पहली बात तो यह है कि मेक इट श्योर आप अपना आइडिया किसी एंजल इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हैं या किसी वेंचर कैपिटल के सामने जो है वो पिच कर रहे हैं एक बात दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आप अपना आइडिया पिच कर रहे होंगे तो याद रखिएगा आपके और आपके इन्वेस्टर के दरम्यान में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी आपको ज़्यादा क्रिटिकल होना पड़ेगा अगर सामने वाला इन जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट है बिकॉज उसकी वजह ये है कि उसके आपके साथ फाइनेंशियल जो है कंसर्नस वो ज़्यादा होंगे और डे एंड के ऊपर जिस तरह रिजवान ने कहा ये ना हो कि आप आइडिया पिच कर रहे हो और उसके थोड़े अरसे के बाद वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप उनके साथ इस तरह की साइन कर लें कि डे एंड के ऊपर एक या दो साल के बाद आपको ये पता चलता है कि आपका कारोबार आपका कारोबार नहीं रहा एंड से बड्डी एल्स जो है वो बेसिकली हैज़ बिकम दी ऑनर ये तमाम चीज़ें इंतहाई क्रिटिकल हैं और इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स uh, को फाइनेंशियल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को देखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बिजनेस खड़ा करना ही बेसिकली एक सबसे अहम काम होता है वंस इट इज़ तो फिर उसके बाद आप मजीद फैसले कर सकते हैं कि आपको किस ग्रो uh, करना है तो अपने वॉल्यूम्स आपने ग्रो करने हैं या अपने बिज़नेस को डाइवर्स करना है बट डे एंड के ऊपर जिससे पैसे लिया है उसके बारे में अलर्ट रहिए सी यू इन द नेक्स्ट वर्डियोज़